पंडरपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ गुड़िया अपनी अब्बू गिरधारी लाल के साथ रहती है। गिरधारी लाल एक मामूली गैरेज में काम करता था और लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता था। गुड़िया उठो, सुबह हो गई। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अब तक चाय नहीं मिली। पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मैं आपको बनाकर दे देती। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं उठाया, मैंने तो पहले से ही तुम्हारे और मेरे लिए चाय बनाकर रखी थी, इसलिए उठाया। क्या पिताजी, आप भी? गिरधारी लाल और गुड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहा करते थे। गिरधारी लाल अपने गराज की दुकान चलाता और गुड़िया ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया करती। भाई साहब, मुझे कुछ राशन लेना है, आप ये पर्ची में लिखे हुए सामान बंधवा दीजिए ना। जी बेटा, तुम तो गिरधारी लाल की बेटी हो ना? वो दरअसल मेरी बेटी भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है अक्सर शादी और किसी भी महफिल में अच्छे पैसे बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। गुड़िया वहाँ खड़ी होकर राशन ले ही रही थी कि वहाँ कस्बे की ठकुराइन चाची आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ भेज देना, कम से कम ये तो सीख ले, आजकल की लड़कियों को न जाने कब अकल आएगी। घर का काम तो इनसे होता नहीं, और चली ब्यूटी पार्लर खोलने। अरे ओ ठकुराइन, ये आप बेचारी बच्ची को काहे डरा रही है? रहने दीजिए अंकल, इनका तो काम ही यही है, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनना और अपना मशवरा देना। गुड़िया काकी से बहस करके अपने घर चली गई और गुस्से में जाकर बैठ गई, जिसे देखकर गिरधारी लाल ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ बेटी? मेरे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की वजह से सारा गांव पहले से ही परेशान है। हमें दूसरों से क्या मतलब बेटा, तुम फिक्र मत करो और अपना ब्यूटी पार्लर पार्लर, हाँ वो पार्लर का काम पूरा कर लो, पैसे जितने चाहिए मुझसे ले जाना। गुड़िया शहर से ब्यूटी पार्लर का पूरा काम सीखकर गांव आ गई। गांव आकर उसने देखा कि गांव की ठकुराइन उसके घर के सामने खड़ी है। सुनो गिरधारी, तुम आकर कई दफा मुझसे पैसे लेकर गए हो, जिसका तुमने एक रुपया भी मुझे वापस नहीं किया है। मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, मेरी बेटी का काम बस शुरू होने ही वाला है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अगले हफ्ते दोबारा आकर तुमसे मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे मेरे पैसे तब वापस नहीं मिले ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। उस वक्त गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन समझ जाती है कि सारे पैसे ठकुराइन के कर्ज से, जिससे उसने अपने ब्यूटी पार्लर की कोचिंग ली। अगर ये बात मुझे पता होती कि ठकुराइन के पैसों पर मैंने ये तालीम ली है, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती ही नहीं। क्या करता बेटी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तुम कस्बे में आ गई हो तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। पिता की बात सुनकर गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया, कस्बे के बाजार में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर जिसमें सजने सवरने की सारी चीजें थी। ब्यूटी पार्लर खोलकर मुझे पूरे एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पिताजी मेरे ब्यूटी पार्लर में अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारे सारे पैसे डूब ना जाएं। घर में जो सोना बचा था उससे आपने मुझे ये दुकान खोल कर दी। ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा होगा, बस तुम मन लगाकर अपना काम करो। उतने में वहाँ ठकुराइन अपने साथ दो गुंडे लेकर आ गई। आज अगर गिरधारी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पूरी दुकान उठाकर ले जाऊंगी। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है, आज मैं तुम्हारी दुकान छीन कर ही रहूंगी। अरे जब इतना ही अपनी बेटी पर भरोसा था तो उसे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मालकिन, अगर आप कहे तो इसके गराज और इसके ब्यूटी पार्लर का सारा सामान हम ले जाए। हाँ ले जाओ, इसके घर के सारे सामान ले जाओ और इसे कहीं का नहीं छोड़ना, सबको जुटा कर ले जाऊंगी मैं यहाँ से। ठकुराइन का हुक्म सुनकर दोनों ने गिरधारी के गराज में खड़ी सारी गाड़ियों को टो करवा लिया और वहाँ से लेकर चले गए। गुड़िया के ब्यूटी पार्लर के दुकान के भी सारी सजने सवरने की चीजें वो वहाँ से चले गए। गुड़िया बेटी फूट फूट कर रोने लगी।
हे मालिक, ये तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है पिताजी, कुछ भी नहीं। गैराज में कबाड़ स्कूटी और कुछ बिखरे हुए ब्यूटी पार्लर का सामान ही रह गया था, जिसे उठाते हुए गुड़िया ने कहा, इन सामान का अब हम क्या करेंगे? न गैरेज बचा, न ब्यूटी पार्लर। लेकिन पिताजी, ये स्कूटी किसकी है? ये मेरे गैराज में आज ही सुबह एक मोची ले आया था, और उससे मैंने ये स्कूटी कम पैसों में खरीदी थी। मेरे दुकान न चलने का कारण ये है कि मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप इस स्कूटी को कुछ इस तरह से बनाइए जिससे ये चलती फिरती स्कूटी ब्यूटी पार्लर बन जाए। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, मैं ही इस स्कूटी को लेकर सब जगह पर जा सकूं। तुमने ये खूब कहा बेटा, शायद इससे हमारा काम बन जाए, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ जाकर सबकर सजाओ। उतने में वहाँ पर उनके पड़ोस की रानी मौसी आ गई और गुड़िया से कहने लगी, बेटा क्या तुम मेरा भी श्रृंगार कर सकती हो? मेरे मायके में एक जलसा है, मुझे वहाँ जाना है। जी मौसी जी, अभी करती हूँ। बेटा मैंने देखा कि कैसे उस कपटी ठकुराइन ने तुम्हारे दुकान पर तमाशा किया, वो हम गांव वालों को आगे बढ़ते देखकर बहुत जलती है। गुड़िया ने रानी मौसी को कुछ इस तरह से सजाया कि उनका चेहरा एकदम से निखर गया। वाह बेटा, तुम में तो सच में बहुत हुनर है, काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये कुछ पैसे रखो और इससे अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो। लेकिन ये तो बेहद ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे लौटा देना। बेटा मैं तुम्हारे लिए स्कूटी ब्यूटी पार्लर बनाकर तैयार कर देता हूँ। दिन रात मेहनत करके गिरधारी ने अपने स्कूटी पर ही ब्यूटी पार्लर का भंडार लगा दिया। उसने उस पार्लर को ऐसा बनाया कि स्कूटी के चारों तरफ सजने धजने के सारी चीजें लगी थी, बड़ा सा शीशा, क्रीम पाउडर और भी बहुत कुछ। पिताजी ये स्कूटी कम चलता फिरता ब्यूटी पार्लर ज्यादा लग रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। अब तुम इसे चलाकर सारे कस्बे में घूमो और सारी चीजें अच्छे से करो, मेरी काबिल बिटिया कामयाब होकर लौटना, फिर क्या था। गुड़िया ने अपनी स्कूटी ब्यूटी पार्लर शुरू कर दी। हर कस्बे वो स्कूटी लेकर चली जाया करती थी और उस कस्बे की लड़की और औरतों को सजाया करती थी। ते ही देखते स्कूटी ब्यूटी पार्लर के नाम से गुड़िया मशहूर हो गई। ये लीजिए आपके पैसे, ये मैंने अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हैं। शुक्रिया बेटी, मालिक की लाठी मुझ पर भी चली है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने कईयों का घर उजाड़ा और इसी वजह से मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। मालिक आपका भला करे, जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे आकर मिल लीजिएगा। गुड़िया ठकुराइन से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर देती है और अपने स्कूटी ब्यूटी पार्लर से लोगों के घर जाकर उन्हें सजाती है। कुछ वक्त के बाद एक बड़ा सा घर लेकर अपने अब्बू के साथ वही रहने लगती है। ये मंजीत है और ये पुष्पा, इन दोनों की सालों की ख्वाहिश थी कि वो एक स्कूटर खरीदें। दूसरों के शौहर अपनी बीवी को स्कूटर पर घुमाते हैं, एक मेरा शौहर है जो कब से न जाने स्कूटर लेने के ख्वाब ही देख रहा है। ले लेंगे ले लेंगे, एक मर्तबा मैं बस पैसे जमा कर लूं। लेकिन जमा कैसे कर लूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं तो तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है, मुझे ये साड़ी चाहिए वो चाहिए, अब इसमें मैं आखिर स्कूटर कैसे खरीदूं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी रोज से मंजीत पैसे जमा कर गुल्लक में डालता गया। अब जल्दी मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा, वो रोज कुछ न कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन वजनी होता गया। एक रोज पुष्पा ने गुल्लक को उठाया, ये तो बहुत वजनी है, इसमें बहुत से पैसे होंगे ना? हैं, लेकिन उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ाओ, वो पैसे मेरी स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह रख दिया। अगले रोज मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम पता करने। भाई मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए सिर्फ एक साल पुरानी है, क्या दाम है इसका?
50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत मायूस होकर वहाँ से चला गया, लेकिन मंजीत के जहन में मैकेनिक की वो बात रह गई। इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर की मरम्मत करने वाला था। वो कई किस्म के मोटर बनाने में उस्ताद था, और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस रोज मैंने जो मोटर वाली स्कूटर देखी थी, वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्च भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? ऐसे तरकीब तो बुरी नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे, जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं मालूम होता। टायर और मोटर के बीच में फीता होता है, जिससे गाड़ी चलती है। अब सिर्फ मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत फौरन घर गया और उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तुम देखती जाओ। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपये हैं, इनमें से तो सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी सिर्फ बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सी पसंद आती है। उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का तवज्जो एक सुर्ख स्कूटर की जानिब गया। उस स्कूटर का रंग और बॉडी एकदम दुरुस्त थी। ये कितने का है? वो तो एकदम बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी, आप दाम बताइए। 2,000 रुपये दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपये अदा किए और उस बंगार स्कूटर को अपनी दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप पे और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा, और अपनी दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटों गुजर गए, सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, न मालूम कहाँ रह गए। मंजीत पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा। जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजीत को तलाशती हुई दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं, आपको वक्त का अंदाजा भी है क्या? मैं कितना डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो वक्त का अंदाजा ही ना रहा। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन टेक्निक में काफी नया है। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। हकीकत में? हाँ, लेकिन इसे बनाने में अभी वक्त है, इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा, अब घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजीत ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगली सुबह मंजीत बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? तकरीबन 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा। रुको, बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजीत को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजीत खुश हो गया। मंजीत ने कबाड़ी को पैसे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजीत ने अपने स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर चालू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी, वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया, वाह, मेरा अपना स्कूटर। मंजीत ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर हैरान रह गई। ये बन गया इतनी जल्दी? हाँ, देखा अपने शोहर का कमाल। चलो, इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने स्कूटर पर तुम्हारे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजीत उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजीत का स्कूटर देखकर हैरान थे। जीजा जी,
स्कूटर तो ले लिया, लेकिन मालूम है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया इसे। वाकई? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। कितना खर्च आया होगा? मंजीत ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, लेकिन इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब? बस इतना ही? फिर तो यकीनन मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजीत का साला फौरन 15,000 ले आया और मंजीत को दे दिया। मंजीत पैसे देखकर खुश हो गया। और फिर क्या था, मंजीत की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीद कर उनमें मोटर लगा कर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में फरोख्त करने लगा। ग्राहकों की मानो कतार लग गई। मंजीत का कारोबार चल पड़ा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के दरमियान मंजीत का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर मशहूर हो गया और मंजीत की जिंदगी बदल गई। अब वो मंजीत नहीं बल्कि मंजीत सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक।